तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जैसा मैंने आज सुबह ही कहा था कि आज कदर सारे दिन के रिकॉर्ड तोड़ देगी, इवन अपने डे 3 संडे का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और उम्मीदों पर खरी उतरी भाई साहब। हाउसफुल शोज आज खचा खच चल रहे हैं और आज ऐसा नहीं है कि मूवी सिंगल है विदाउट कॉम्पिटिशन चल रही हो, बिल्कुल नहीं। जेलर एक तरफ अलग धूम मचा रही है, दूसरी तरफ OMG 2 भी बराबर टक्कर दे रही है, उसके बाद भी गदर 2 वाकई में गदर मचा रही है। बिल्कुल सनी पाजी लोन वुल्फ की तरह आगे बढ़ रहे हैं दिन पर दिन और आज जो आंकड़े आए हैं गदर की तरफ से भाई साहब, मुझे नहीं लगता अब कोई इस फिल्म का ये 5वें दिन में ऐतिहासिक कमाई का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है जिसे 2001 में रिलीज करा गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह रोल में देखने को मिले थे और एक्शन के मामले में बाप मूवी बनकर उभरी थी एट दैट टाइम। लोग मूवी देखने के लिए थिएटर हाउस के बाहर पगला गए थे, वैसे ही सेम वाइब आज भी देखने को मिल रही है। लोग सुबह 1-1 बजे से चले जा रहे हैं टिकट खरीदने के लिए, कई जगह तो फुल नाइट 24 घंटे मूवी चलाई जा रही है। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी रहा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। दोस्तों लगातार कंपटीशन मिलने के बाद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट क्रॉसर मूवी उभर कर सामने आ रही है। दोस्तों गदर 2 ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रह गई है, एक इमोशन बनके उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गए थे और अब वो सब दोबारा रिकॉल हो रहा है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, क्योंकि गदर फर्स्ट ऐसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी आप सभी जानते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। जी हां दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज कराया गया था और बॉलीवुड हिस्ट्री की पहली फिल्म बनी जिसने नॉन हॉलीडे में सिर्फ 4000 स्क्रीन्स पर 40 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था और दुनिया भर में तारा सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग होने के साथ पहले दिन 60 करोड़ का कलेक्शन पूरी दुनिया से करा था। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन भी अनबिलीवेबल नंबर सामने आए, सेकंड डे में 43 करोड़ का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था अपने दूसरे दिन से। इसी के साथ दोस्तों गदर 2 गदर मचाते हुए अपने तीसरे दिन भी जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दिखती है मूवी और बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। मूवी ने संडे का फुल एडवांटेज लिया अपने तीसरे दिन में और 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था, जो आज तक इंडियन सिनेमा की कोई भी फिल्म हिंदी सिनेमा से तीसरे दिन में इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाया है। इसी के साथ ऑल इंडिया ग्रॉस से अपने तीसरे दिन में लगभग 65 करोड़ का आंकड़ा टच करने में सफल हुई मूवी और अभी तक पहले 3 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 134 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था मूवी ने और पहले 3 दिन का इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था। तो भाई साहब जिस स्पीड से मूवी आगे बढ़ रही है, पठान कौन था भूल जाएंगे लोग, बात करें वहीं पूरी दुनिया में कैसी ग्रोथ कर रही है मूवी, तो यस अभी तक पहले 3 दिन में मूवी ने 190 करोड़ का बिजनेस करा था और दोस्तों नो डाउट सनी पाजी की फैन फॉलोइंग सॉलिड है। इसी के साथ बात करें कल यानी 4th दिन में कैसी ग्रोथ थी मूवी की, भाई साहब अमेजिंग थी। 4th दिन भी हिस्ट्री क्रिएट करेगी गदर 2 के द्वारा, क्योंकि मंडे फुल वर्किंग डे होता है और इसने अपने 4th दिन में भी लगभग 40 करोड़ के आंकड़े को टच करते हुए नजर आई है इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से और इंडियन हिस्ट्री की लगातार 4 दिन में 40 करोड़ के कलेक्शन करने वाली गदर 2 नंबर 1 फिल्म बन चुकी है कल तक। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन कल अपने 4th दिन में 47 करोड़ का था। बात करें आज यानी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के बारे में कैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है आज का दिन, तो दोस्तों आज भी अपने 5वें दिन में ऐतिहासिक कमाई से खाता खोलते हुए सिर्फ एडवांस से 35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था मूवी ने। दोस्तों इट्स ह्यूज नंबर है वैरायटी, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा चाहे हॉलीडे हो या कुछ भी हो अपने 5वें दिन में कोई भी फिल्म ऐसी ग्रोथ करते नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिनेमा की नंबर 1 मूवी बन चुकी है गदर 2 इतनी बड़ी एडवांस लेने वाली 5वें दिन में। दोस्तों ये दिखता है दिस इज द पावर ऑफ 90s सिनेमा, दिस इज द पावर ऑफ 90s एक्टर कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी सॉलिड है, जनता को दिल से प्यार है सनी पाजी के लिए, नो डाउट। जी दोस्तों मॉर्निंग से ही लगभग 90% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ओपनिंग करी थी और आफ्टरनून आते आते ये आंकड़ा 95% तक पहुंच चुका था और इवनिंग और नाइट की तो बात ही मत करो, यहां तो थिएटर खचा खच हाउसफुल चल रहे थे, लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। जी दोस्तों फुल हाउसफुल चल रहे हैं शोज आज अपने 5वें दिन में। दोस्तों जनता गदर 2 को भर भर के प्यार दे रही है, फैमिली टुगेदर ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस है गदर 2। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे तक एक बार फिर लगभग 57 से 58 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते दिख रही है मूवी और अपने पहले 5 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 230 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज
300 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल हो गई है। दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट लोगों की पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही हैं और लोग एक फेस्टिवल की तरह मूवी को देखने भी जा रहे हैं और सनी पाजी को काफ़ी अप्रिसिएट भी कर रहे हैं और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। इसी के साथ दोस्तों कल की एडवांस भी अभी से अच्छी खासी दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 5 दिन जबरदस्त ट्रेंड करते हुए मूवी कल अपने 6ठे दिन में 9 से 10 करोड़ तक के एडवांस कलेक्शन करते नजर आ रही है। इसी के साथ कल एंड ऑफ द डे तक ये फिल्म 20 से 25 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी। इसी के साथ पठान को छोड़कर इस साल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, किसी का भाई किसी की जान, भोला सभी को खदेड़ चुकी है। दोस्तों अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है मूवी कल अपने 6ठे दिन में कितनी कमाई करेगी? क्या 20 करोड़ से ऊपर कमा सकती है ये फिल्म? और अगर मूवी आपने भी देख ली है तो आपको कैसी लगी? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।